फिक्स मोबाइल एंड कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास ओप्पो A78 5G मॉडल है, इसमें पैटर्न लॉक है और फैक्ट्री रीसेट के बाद जो जीमेल लॉक होता है वो भी हम अनलॉक करेंगे। तो पहले हम अनलॉक करेंगे। अनलॉक के लिए पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। स्विच ऑफ के लिए वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों साथ में दबाना है। तो फोन स्विच ऑफ हो गया, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों साथ में दबाना है। तो आप देख सकते हैं नीचे रिकवरी मोड आ गया है, आपको सब बटन छोड़ देना है। उसके बाद इंग्लिश पे क्लिक करना है, फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करना है, जो भी कोड आता है टाइप कर लेना है। फोन चालू हो गया है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे फोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और शेयर बटन पे क्लिक करना है, नियर बाय पे क्लिक करना है, टर्न ऑन पे क्लिक करना है, नीड हेल्प शेयरिंग पे क्लिक करना है। ऊपर जो तीन बटन है वहाँ पे क्लिक करके शेयर आर्टिकल पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैसेज को सिलेक्ट कर देना है। न्यू मैसेज, यहाँ पे कोई भी नंबर दे देना है और यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करके www.youtube.com टाइप करके सेंड कर देना है। टैब व्यू पे नीचे क्लिक करना है, जब तक YouTube लॉगो नहीं आता तब तक आपको टैप करना है। यूज़र आइकन पे क्लिक करके सेटिंग में जाना है, अबाउट में जाना है, YouTube टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करना है। यूज़ विदाउट अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक लिंक टाइप करना है, यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे एक लिंक टाइप करना है, वीडियो स्क्रीन में आपको दिख जाएगी, देख के टाइप करके ओपन कर लेना है। GSM हेल्पफुल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, नीचे आना है आपको। सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे क्लिक करना है, होम स्क्रीन लेआउट पे क्लिक करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करना है क्लोन फोन, यहाँ पे सर्च करके भी आप ओपन कर सकते हैं या फिर मैन्युअल सर्च करके भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये जो फोन है न्यू मॉडल पे क्लिक करना है,
एक और फ़ोन चाहिए जिसमें आपको क्लोन फोन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर प्ले स्टोर में नहीं मिलता तो आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद स्कैन कोड पे क्लिक कर देना है और वेट करना है जब तक फ़ोन कनेक्ट नहीं हो जाता। सब ऊपर अनटिक कर लेना है, एप्स पे क्लिक करना है, जो भी कम MB की एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट करना है और स्टार्ट क्लोन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एप्लीकेशन ट्रांसफ़र हो जाएगी फ़ोन FRP बाईपास हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल फिक्स मोबाइल एंड कंप्यूटर को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।